हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो अगर हम उन सारे डिस्कवरी पर गौर करें तो उस डिस्कवरी के बिहाव पर हम लोग बोल सकते हैं, बेसिकली वहाँ पर रेडिएशन और मैटर का इंट्रैक्शन हमें देखने को मिला था। तो अगर हम लोग अच्छे से एटम को स्टडी करना चाहते हैं तो ये रेडिएशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो रेडिएशन जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बात करेंगे। मैं इसके डेफिनेशन पर आऊंगा, इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कई बार हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो जो सबसे सिंपल बात है, जो सिंपल हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म पे, वो लाइट है। तो लाइट बेसिकली एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो सबसे पहले जो थ्योरी आया था इसके रिगार्डिंग वो था कर्पस्कुलर थ्योरी। और ये कर्पस्कुलर थ्योरी जो था ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो काफी अच्छे तरह से बता दिया था, इसको एक्सप्लेन कर दिया था। बट लाइट के कुछ और सारे प्रॉपर्टी थे, जैसे इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, इसको बताने में ये फेल हो गया था। तो इन सारे प्रॉपर्टी को बताने के लिए आगे और भी बहुत सारे थ्योरी आए, बट बहुत सारे थ्योरी आए उनमें बहुत सारा ड्रॉबैक था। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी मैक्सवेल का थ्योरी था। तो मैक्सवेल ने यह बोला था, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, एनर्जी एसोसिएटेड विथ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी एंड रेडिएशन ऑफ एनी फ्रिक्वेंसी कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी। तो बेसिकली इसने जो वेव था या रेडिएशन था उसका एनर्जी को उसने इंटेंसिटी से रिलेट कर दिया था। उसने ये बोला था कि अगर इंटेंसिटी कम होगा तो उस पर्टिकुलर रेडिएशन का एनर्जी कम होगा, वहीं इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो गया तो उस पर्टिकुलर रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा हो गया। तो इसमें भी ड्रॉबैक था और आगे बहुत सारे थ्योरी आए। बेसिकली फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर प्लैंक्स थ्योरी आया, जो कि ये बात को उसने गलत साबित किया। तो हम लोग उन सारी चीजों पर आएंगे, बट ये मैक्सवेल का थ्योरी ऐसा था कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सारे फिनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। अब हम लोग आगे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते किसको है। तो सबसे पहले मैक्सवेल ही वो था जिसने ये बताया था, एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है थ्रू एन एक्सेलरेशन तो ये पक्के तौर पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैक्सवेल ही वो साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले लाइट को बताया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इससे पहले लाइट को पार्टिकल के तरह ट्रीट किया जाता था। और देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बेसिकली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ले लें, आप यहां पर देख सकते हैं ये अलग डायरेक्शन में है और ये अलग डायरेक्शन में है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेट सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो इस तरह करके मूव कर रहा है, इस तरह करके मूव कर रहा है, अगर ऐसा ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है उसका, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा। तो बेसिकली ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। अब अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, और हमें यह भी ध्यान में रखना है बेसिकली ये जो वेव होगा, ये जो रेडिएशन होगा, इसका डायरेक्शन और प्रोपोगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन है जहां पर दो तरह के फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट, और ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमेशा इसका परपेंडिकुलर होता है इन दोनों का। तो इस पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी, सबसे पहले लिखा हुआ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। अब हम लोग आगे आते हैं, बेसिकली इन सारे वेव्स को मूव करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनका एक प्रॉपर्टी है, दीज वेव्स डो नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, दे कैन मूव इन वैक्यूम।
इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये बहुत तरह के होते हैं, दे डिफर फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से जो डिफर करते हैं वो बेसिकली वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के वजह से डिफर करते हैं। हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर अभी कुछ देर में आएंगे। दीज कॉन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो काफी बहुत अलग अलग तरह पर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, इनको जब एक साथ कंबाइन किया जाएगा तो उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी अभी देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि ये जो रेडिएशन है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहाफ पर कैसे डिवाइड किया गया है इनको, वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी में क्या कुछ आएगा, बेसिकली वेव जो है ये कुछ डिस्टरबेंस इस तरह का होगा, अप एंड डाउन हम लोग बोल सकते हैं। इसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हमने क्रिस्ट कहा, और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे लोअर पॉइंट है, इसको हमने ट्रफ कहा। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्रिस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट ट्रफ। अब देखते हैं कुछ और चीज, ये बेसिकली ये जो हाइट है, ये हाइट को हमने एम्पलीट्यूड बोल दिया है। अब एक नया टर्म आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, वेवलेंथ, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हम लोग बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। बेसिकली ये क्रिस्ट और ट्रफ जो हम लोग लेंगे, ये कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ लेंगे, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। हम लोग देख सकते हैं इसको वेवलेंथ क्यों हम लोग बोले, एक्चुअली ये पर्टिकुलर लेंथ के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट करने लगता है। आप यहां से यहां देख सकते हैं और वापस से ये जो है, ये सेम तरह का आपको फिगर कुछ दिख पा रहा होगा। वहीं अगर आप बात करें दो ट्रफ के बीच में भी ये वेवलेंथ हो जाएगा, वापस से अगर आप देखें तो इस साइड सेम टाइप पर का रिपीटेशन होगा, इधर भी सेम टाइप पर का रिपीटेशन होगा। और हम लोग यहां से यहां भी ले सकते हैं, इसके बाद देख सकते हैं ये कंप्लीट अगर एक सर्कल पूरा कर लेता है तो वापस से अपने आप को रिपीट कर ले रहा, तो यहां से यहां भी वेवलेंथ ही होगा। तो बेसिकली वेवलेंथ जो है, ये डिस्टेंस आप ये कहें, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, तीनों ही डिस्टेंस सेम होंगे, तो इस तरह से हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। वेवलेंथ का डेफिनेशन भी यहां दे रखा है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रिस्ट और ट्रफ। अब इसका यूनिट का हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट जाहिर सा बात है कि मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर और मिलीमीटर, इसी यही सारे लेंथ के यूनिट ही इसके भी यूनिट होंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म में आते हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया गया है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका रिपीटेशन कितना बार हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में। लेट सपोज अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि कोई एक फैन मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, हमने लेट सपोज ये यूनिट ले लिया कि 10 सेकेंड में ये 100 टाइम्स मूव कर रहा है, तो अगर ये 10 सेकेंड में 100 टाइम्स मूव कर रहा है, 100 साइकिल ले रहा है, तो एक पर्टिकुलर सेकेंड में ये 10 साइकिल ले रहा होगा। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कोई एक काम कितना बार हो रहा है। जब हम लोग बात कर सकते हैं ये एक पर्टिकुलर वेव के लिए, तो हम लोग वेव के लिए भी ये बोल सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो कितने बार एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, दैट विल कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। इसको कुछ ऐसे भी डिफाइन किया गया है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइकल्स, ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस ऑफ ए वेव मोशन इन यूनिट टाइम। इसका यूनिट बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं साइकिल पर सेकेंड, तो साइकिल बेसिकली, साइकिल का तो कोई यूनिट नहीं है, ये एक नंबर है, तो पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, बेसिकली टाइम पर टाइम बोल सकते हैं, तो सेकेंड इनवर्स हो गया, जैसे मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, ये सारे इसके यूनिट हो जाएंगे, और सेकेंड इनवर्स को हमने हर्ट्ज कहा। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इसको, कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं ना
लेट सपोज कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं, लेट सपोज अगर ये वेव मूव कर रहा है ऐसा ऐसा करके आगे कुछ मूव कर रहा है, तो कोई एक लेट सपोज पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना सारा वेव, ये जो वेव है कितना सारा वेव पास कर रहा है कोई यूनिट टाइम में, दैट विल कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। तो अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में। अब हम लोग आगे देखेंगे वेलोसिटी। वैसे वेलोसिटी को हम लोग फिजिक्स में ऐसे जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द वेव। बेसिकली हम लोग यहाँ रेडिएशन का बात कर रहे हैं और रेडिएशन का भी वेलोसिटी सिमिलर होगा रेडिएशन का पर यूनिट टाइम में। अगर हम लोग एक सेकेंड की बात करते हैं तो एक सेकेंड में उसके द्वारा ट्रेवल किया गया जो डिस्टेंस होगा वो इसका वेलोसिटी होगा। हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब हम लोग आगे आते हैं एम्पलीट्यूड के डेफिनेशन में। तो एम्पलीट्यूड को बोलेंगे इट इज हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ ए वेव। इसका मतलब ये पर्टिकुलर हाइट या ये पर्टिकुलर डेप्थ ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसके बारे में एक और चीज देख लेते हैं। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब ये जो हाइट और ये डेप्थ है ये उस पर्टिकुलर लाइट का इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को बेसिकली न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग जानते थे न्यू से रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को किया जाता था और न्यू बार से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेव नंबर को। अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये बोल रहा है कि पर यूनिट लेंथ में कितने सारे वेव पॉसिबल हैं। तो लेट सपोज हम एक यूनिट लेंथ ले लेते हैं और इसी में लेट सपोज कोई एक वेव होगा, वेव का कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कोई एक यूनिट लेंथ को वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया हमने, तो डिवाइड करने के बाद बेसिकली क्या आएगा, नंबर ऑफ वेव्स जितने की उस पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में आ जाते थे। अब हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं एंड इज रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। ये हमेशा वेवलेंथ पर का रेसिप्रोकल होगा, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं न्यू बार इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर का यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगा और यहाँ पर लैम्डा पर का यूनिट मीटर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यू बार का यूनिट मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स होगा, जिस वजह से भी हमने लेंथ का यूनिट मेजर कर लिया है, चाहे वो मीटर हो चाहे सेंटीमीटर इनवर्स हो। तो न्यू बार इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा एंड इट्स यूनिट इज मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम लोग कैसे डिफाइन किए, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया कि पर यूनिट लेंथ में कितने सारे वेव्स पॉसिबल हैं, कितने सारे वेव्स आ जाएंगे। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स इन वन यूनिट लेंथ। अब बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और भी हम लोग लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी इंटू, अब ये वन बाई लैम्डा को फिर से न्यू बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ यहां पर दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। अब देखते हैं ये कैसा सॉल्व होगा। सबसे पहले लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। हमें पता है नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, तो हम लोग इसको पहले कन्वर्ट कर लें 4 × 10⁻⁷ × 10⁻⁹। तो ये हम लोग बोल सकते हैं 4 × 10⁻²  मीटर। अब तक हमारे पास वेवलेंथ आ गया है। अब अगर हमारे पास वेवलेंथ आ गया है, हमें क्या पूछा है यहां पर से, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है अगर, तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू लिख दें सी अपॉन लैम्डा। सी का वैल्यू हमें पता है, सी का वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू हम लोग यहां पर देख सकते हैं 4 × 10⁻²। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये अगर ऊपर चला गया 3/4 आ जाएगा 0.75, तो हम लोग बोल सकते हैं ये लगभग आ जाएगा 7.5
इंटू 10^9, क्योंकि अब ये 10 में से एक कम हो जाएगा यहां पर से, और ये आ जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी, हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स, या यहां पर हम लोग हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने ऐसा निकाला न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और सी का वैल्यू हमने रख दिया 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, और लैम्डा का वैल्यू को हमने बेसिकली मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो सी था ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था, तो दोनों ऐसा यूनिट में हो गए। अब 7.5 × 10^9 सेकेंड इनवर्स अगर इनको हमने कैलकुलेट किया तब आया। फिर से दिखा यहां पर लिख रखा है वेव नंबर फाइंड करना, तो वेव नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, वेव नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था 1/λ से, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। अब 1/λ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/λ का वैल्यू वापस से दिया हुआ, तो अगर हम लोग इसको मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 4 × 10^-2, या 10^-2 मान लीजिए ऊपर गया तो 10^2/4, और ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि यूनिट अब ऐसा यूनिट में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो फाइनली ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था, वेव नंबर फाइंड करना था माइक्रोवेव्स का, जिनका की वेवलेंथ दिया हुआ था। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये बहुत जगहों पर यूज होता है, ये हमेशा हम याद रखेंगे, और ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर का रिलेशन है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग ये फॉर्मूला पुट करके, अगर कोई इसमें से एक चीज दिया हो हमें, चाहे वेवलेंथ दिया हो, चाहे आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी दिया हो, कोई एक चीज दिया हो, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होता है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, तो कोई भी एक चीज दिया हो तो हमें दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा ये फॉर्मूला है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली कितने टाइप पर के रेडिएशन या वेव है, मतलब इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो इनको जैसे कैटेगराइज किया गया है, इस पूरे ग्रुप को एक बार हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने कुछ ऐसे अरेंज किया है, ये हम लोग बोल सकते हैं ये जो अरेंजमेंट किया गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी, ये अरेंज किया गया है। तो जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाने में वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, और जब हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम कहें तो ज्यादा सही है। अब देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे वो सारे वेव्स जिनका की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, इस साइड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिक्रीजेज मैं लिखा हूं, तो जिनका सबसे कम वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वो गामा रेज है, उसके बाद एक्स रेज है, उसके बाद यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद विजिबल रीजन आएगा, मतलब यहीं पर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिसको कि हमारा आंख डिटेक्ट कर सकता है, हमारा आई उनको डिटेक्ट कर सकता है, बाकी ये सारे जो रेडिएशंस हैं इनको हमारा आई डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब आगे इसके आगे देखते हैं, तो ये है इंफ्रारेड रीजन, फिर माइक्रोवेव्स, आगे आते हैं रेडियो वेव्स, और सबसे लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स वैसे वेव्स हैं जिनका की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इनका फ्रीक्वेंसी काफी कम है, बहुत कम है। तो फिर से ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन को हम लोग देखते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा है, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है सेवन अलग अलग कलर्स में, विभ्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब हम लोग देख सकते हैं ये जो वायलेट है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, तो बेसिकली ये वेवलेंथ लिखा हुआ है तो इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर हो जाएगा, तो 400 नैनोमीटर, और इस तरह से इसका वेवलेंथ इंक्रीज करता जाएगा और इंक्रीज करता जाएगा, और ये 750 नैनोमीटर तक आ जाएगा विजिबल रेंज। और ये सारा सबका अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, तो ये सारा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो विजिबल रीजन है उसका रेंज अगर याद कर ले तो काफी है, ये इसका रेंज हो जाएगा 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, मतलब यही वेवलेंथ के पर के जो रेडिएशंस हैं उनको हमारा आंख डिटेक्ट कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरा चीज, क्योंकि हमने ये भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये जो गामा रेज है इनका एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स,
और सबसे कम एनर्जी की बात करें तो वो किसका होगा, लॉन्ग रेडियो वेव्स का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं गामा रेज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, और वहीं रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी कम। वहीं वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ उनका सबसे ज्यादा। देख लेते हैं, बेसिकली ये गामा रेज है ना, कैंसर, केमोथेरेपी, ये सब में यूज होता है। एक्सरे हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन का जो एक्सरे किया जाता है वो बेसिकली हमने इसका यूज देखा हुआ है। उसी तरह अल्ट्रावायलेट रे का भी यूज होता है फोरेंसिक रिपोर्ट ये सब में। विजिबल तो इसके बिना कुछ सोच पाना ही मुश्किल है, विजिबल रे का यूज हम लोग देख ही पा रहे हैं अभी। जैसे विजिबल ये कैमरा विजिबल है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विजिबल रे की वजह से ही आप मुझे देख पा रहे हैं, या मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूँ, या मैं आपको देख पा रहा हूँ। वहीं इंफ्रारेड जैसे हम लोग टीवी रिमोट्स में यूज करते हैं, और बहुत सारे तरह के रिमोट होते हैं जो उसमें इंफ्रारेड ही बेसिकली यूज होता है। माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन आता है, माइक्रोवेव ओवन में ये माइक्रोवेव्स यूज होते हैं खाना पकाने के लिए। उसी तरह रेडियो वेव्स जो है वो सिग्नल के लिए यूज होते हैं, बेसिकली रेडियो हम लोग बोल सकते हैं FM AM जो सुनते हैं, तो बेसिकली वो रेडियो वेव्स होते हैं। और वहीं ये जो विजिबल है ये स्प्लिट कर गया है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 अलग कलर्स हैं, ये स्पेक्ट्रम हमने देख लिया। तो बेसिकली ये कंप्लीट मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जितने तरह पर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको उनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहाफ पर बहुत पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो ये पार्ट कुछ ऐसे हैं, तो हम लोगों को इनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर्टिकुलर याद नहीं रखना है, बट इनका सीरीज याद रखना है कि किनका फ्रीक्वेंसी कम है, किनका वेवलेंथ ज्यादा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बिहाफ पर हम लोग आगे कुछ स्टडी और भी करेंगे। अभी यही रखते हैं।